ज्योति मौर्य के भाई हैं। उन्होंने ज्योति और आलोक मौर्य के विवाद से जुड़ी हुई कई बातें बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन लंबे समय से अधिकारी बनने की तैयारी कर रही थी। वो पहले टीचर बनी, फिर लखनऊ में समीक्षा अधिकारी बनाई गई। इसके बाद वो लोअर पीसीएस में भी रही और फिर एसडीएम बनाई गई। दरअसल जिस तरह से आलोक ने एसडीएम पत्नी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पत्नी को पढ़ाया और एसडीएम बनाने में मदद की, फिर पत्नी ने उन्हें धोखा दे दिया। ये घटना अपने आप में अनोखा है। मामला सामने आने के बाद ये लगातार चर्चा में भी है। अब ज्योति के भाई ने ज्योति की पढ़ाई लिखाई से लेकर आलोक के घर वालों के बारे में एक अनौपचारिक बातचीत में काफी बातें बताई हैं। टीचर भी रही हैं, समीक्षा अधिकारी भी रही हैं, लोअर पीसीएस भी इनका हुआ था, ये पीसीएस इनका जो ये पांचवा चौथा है। समीक्षा अधिकारी के बाद पीसीएस फिर हो गए हैं। तो समीक्षा अधिकारी पे रहते हुए इनका भी अभी आईएएस वगैरह कुछ कर रहे हैं क्वालिफाई या फिर नहीं इससे बाहर हो गए। तो अब आप भी लोग जो चार नौकरी छोड़ चुका है, मतलब चार जॉब तीन जॉब, तो अब आप भी लोग डिसाइड कर लीजिए कौन किसकी मदद किया जा रहा है। हाँ, शुरुआत में पढ़ाए तो कोई जाहिर सी बात होता है, शुरुआत में शादी कब हुई थी? 7 दिन की, 2000 10 में। हाँ, 2000। इनका पहली नौकरी को कुछ आइडिया कब लगी है? 14 तब तक यहीं प्रयाग में आके तैयारी कर रहे थे। हाँ, वो तो फिर अपने जहाँ जॉब लगी होगी फिर वहाँ शिफ्ट हो गए होंगे, फिर अपने घर से तैयारी करके पीसीएस निकाला, ये बोल सकते हैं ना? आलोक यही रहते थे और वो भी सब लोग। अच्छा, अब तो आलोक राजापुर में कहीं शायद रहता है। हाँ, वो उनका हमने देखे फरवरी से हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे, वो फरवरी से अब यहाँ कौन कौन जो है आलोक के परिवार के लिए कोई नहीं, नहीं कोई नहीं रहता। हम लोग कुछ सामान शिफ्ट करना था, चूँकि मैडम का ट्रांसफर गारंटी हो गया था, उसके सामान भी लगाना था, तो वही सामान शिफ्ट करना है। अच्छा, ये पता हुआ आलोक के परिवार में कितना लोग उनके दे? वो तो तीन भाई हैं। तीन भाई तीनों सरकारी नौकरी आप किसी पक्ष में बता? अगर सरकारी नौकरी नौकरी हम लोग को बता दिए तो दिक्कत क्या होगा? पहले पता कर लीजिए। आलोक सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे। और दोनों बड़े भाई क्या करते हैं? हमें तो जहाँ तक पता है अध्यापक हैं और एक आईबी में है, बाकी आप आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ। अच्छा, शादी से पहले पीसीएस का एग्ज़ाम कोई दिया था या तैयारी की सोची थी या वहीं से प्रेरणा मिली था? एक्चुअली शादी हो तो बचपन से, मतलब शुरू से ही वो तैयारी, बचपन से मतलब बचपन से क्या बनने की इच्छा? हाँ, वो तो शुरू से कुछ ना कुछ, इससे पहले वो प्राइवेट में भी पढ़ाई हैं। अच्छा, कोचिंग भी पढ़ाती थी जब थी, बीए कर रही थी, तो वहीं बनारस में। बनारस कोई जो कह, कोई जो कह रहा है कि अभी मतलब शादी के बाद से, तो बात गलत है भाई। इच्छा कहाँ हुई मैडम की? सब गाँव, मतलब बनारस बीए तक। अच्छा, ये एक और इसमें ये सवाल है कि ज्योति की पति ने ज्योति पर एक और आरोप लगाया उसकी पहली नौकरी से लेकर टीचर की नौकरी धामनी करने का। अब वो तो जो लगाया आरोप वो तो वही बता सकते हैं, आरोप का कोई जवाब नहीं है, कोई भी लगा सकता है ना। हम ही आपको कह दें आरोप लगाने में क्या, हम ही आपको कह दें कि आप मीडिया में बने हैं तो जर्नलिस्ट बने हैं, लेकिन कोई प्रूफ तो दिखाइए। अच्छा, इनके आलोक के दो बेटियां हैं? हाँ, जुड़वा जुड़वा हैं, ट्विंस हैं। कितने साल की हो गई? 9 साल। तो वो किनके साथ रहती हैं? मैडम के साथ। मैडम साथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में सेमी खेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम पद पर तैनात ज्योति मौर्य और प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी आलोक मौर्य के बीच विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ ज्योति ने पति आलोक और उनके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है, वहीं आलोक का आरोप है कि ज्योति मौर्य का कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है और ज्योति मनीष के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रही। आलोक ने यह भी कहा है कि शादी के बाद उसने ज्योति को पढ़ाने में काफी पैसा खर्च किया। जब ज्योति यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होकर अधिकारी बन गई तो उसने धोखा दे दिया। ज्योति ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।